तो जो प्रादेशिक भाषाओं का अध्याय 2 है उसमें हमने देखा था 345 क्या है, उसके हम क्लॉज की बात कर रहे थे जो कि सेकंड क्लॉज है यहाँ पे। तो अंग्रेजी भाषा को तब तक प्रयोग में जारी रखा जाएगा जब तक कि वहाँ की जो विधानसभा है वो ऐसा उपबंध न कर दे, ऐसा पास न कर दे कि अब अंग्रेजी का प्रयोग नहीं होगा। कि मतलब मान लीजिए बिहार अगर है वहाँ पे भोजपुरी, मैथिली, उर्दू, हिंदी, अगर इन सभी को सभी लोग 100% लोग अगर सपोर्ट कर दें, वहाँ के जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, तो ऐसे में इसे पारित कर दिया जाएगा कि अंग्रेजी भाषा प्रयोग बंद हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जा सकता तो अंग्रेजी का प्रयोग वहाँ होता रहेगा, और यह उसी तरह से होगा जैसे कि संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले किया जाता रहा है। 346 में वो बंद है कि जो भी अत्याचार होंगे किसी एक राज्य से दूसरी राज्य या राज्य से केंद्र में, तो ऐसे में वो भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा जैसा कि उपबंध किया गया है, प्राधिकृत किया गया है। और ये प्राधिकृत किया गया है का, खा और गा क्षेत्रों में विभाजित करके भारतीय राज्यों को। तो हम उस पर एक ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाए हैं, आप उसे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल का नाम डिजिटल सॉफ्ट हब और राजभाषा सर्च करेंगे तो वो सारे के सारे वीडियोज आपके सामने आ जाएंगी। तो दोस्तों अगर ऐसा हो जाता है कि 2 से अधिक राज्य ऐसा विचार कर लें कि हम अगर आपके साथ पत्राचार करेंगे तो हिंदी में करेंगे, तो यह भी संभव है। ये ऐसा बोला गया है 346 में। अब 347 की अगर बात करें, अनुच्छेद 347 में बोला गया है कि अगर किसी राज्य में कोई एक समुदाय जो कि काफी बड़ी जनसंख्या है, अगर उसकी मांग रहती है कि उसके किसी एक विशेष प्रयोजन के लिए या संपूर्ण प्रयोजन के लिए उसकी जो भाषा है, बोली है, उसे आप राजभाषा का दर्जा दीजिए, तो राष्ट्रपति उसको राजभाषा का दर्जा या शासकीय मान्यता आप बोल सकते हैं दिया जा सकता है। किसी भाषा का राजभाषा होना ऑलरेडी यह बताता है कि वह शासकीय प्रयोजन के लिए अब प्रयोग की जा सकेगी, जो कि अनुच्छेद जो कि अनुसूची 8 में जितनी भाषाएं 22 भाषाएं जुड़ी हुई हैं उनको अगर मान्यता मिल गई है तो वह इंसान की प्रियोरिटी बढ़ जाती है उसकी भाषा के प्रति, वो अपनी भाषा में देश में कहीं भी अपनी कोई भी बात रख सकता है। अब अगला है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा जो कि 348 में है। इसे हम इन डिटेल में नहीं समझेंगे क्योंकि इसमें सिंपल सी बात है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यहाँ पे जितनी भी कार्यवाहियां रहेंगी ये सभी अंग्रेजी भाषा में होंगी, लेकिन कुछ स्टेट्स को छूट दी गई है, हम आपको उसके बारे में बताएंगे। ये जो दूसरा सबसेक्शन है इसमें बोला गया है कि जो पहला खंड है तो राज्यपाल उस राज्य का राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से हिंदी को या उस राज्य की जो कोई विशेष भाषा है उसको शासकीय प्रयोजनों के लिए जो कि उस कोर्ट के लिए बोली जा रही है को प्रयोग में प्राधिकृत कर सकेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में कार्यवाहियां अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी आपको देखने को मिल जाएंगी। जो 349 अनुच्छेद है उसमें यह है कि भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया के बारे में बोला गया है। तो ऐसा है कि कोई भी राजभाषा या इसके संबंध में कार्यान्वयन तब तक नहीं होगा या फिर जो संसद है तब तक नहीं कर पाएगी जब तक उसको राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी न मिली रहे, और राष्ट्रपति के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, एक बाधा डाली गई है कि राष्ट्रपति ऐसे तब तक नहीं कर सकते जब तक कि एक कमिटी गठित न हो जाए, एक आयोग गठित न हो जाए और वो आयोग अपनी जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को न सौंपे। तो मतलब राष्ट्रपति पहले एक आयोग बैठाएंगे, आयोग जो सिफारिश करेगी उसके पश्चात राष्ट्रपति जो संसद है उसको परमिशन दे सकते हैं। अब अध्याय 4 में विशेष निर्देश दिए गए हैं, ये जैसे कि नीति निर्देशक तत्व तो रहते हैं उसी तरह का है हिंदी भाषा के लिए। जो 350 अनुच्छेद है कि व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है। 350 अनुच्छेद के अनुसार अगर मान लीजिए कि मैं हूं और मेरे साथ तो कोई व्यथा हो जाती है और मैं जाता हूं कर्नाटका या तमिलनाडु, तो वहां पे हमारी जो रिपोर्ट है अगर हम पुलिस स्टेशन पे जाके या फिर किसी को अपनी बात रखना चाहते हैं प्राधिकारी को, तो हम अपने हिंदी भाषा में वहां पे रख सकते हैं
या फिर अगर कोई कन्नड़ का है वो बंगाल में जाके कन्नड़ में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराना चाहे तो करा सकता है, किसी की व्यथा को इग्नोर नहीं किया जाएगा। और जो 350 का है ये काफी महत्वपूर्ण है, तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, आप देखते होंगे कि भील प्रदेश में कोई भीली एक भाषा है उनके प्रचार प्रसार की बात की जा रही है कि उनके बच्चों को उसकी शिक्षा दी जाए, तो ये यहीं से लिया गया है और उन बच्चों को इसी के अनुसार इसी के तहत जो बाल्य शिक्षा है उसे उसकी मातृभाषा में देने के लिए बाधित करता है। और राष्ट्रपति ऐसा सुनिश्चित करने के लिए कोई निर्देश भी दे सकते हैं अगर वो उचित समझें तो। जो 350 खा है इसमें बात किया गया है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग रहेंगे, अब ये किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, अल्पसंख्यक वर्ग सभी रिलीजन से हो सकते हैं, एक से भी हो सकता है, और ये इनके नंबर पे डिपेंड करता है कि ये कितने लोग हैं जो अल्पसंख्यक हो गए हैं इस भाषा को बोलने में। तभी आप कई बार देखते होंगे कि जो हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, आप बोल सकते हैं बोली हैं, डायलेक्ट्स हैं, छत्तीसगढ़ी की, मध्य प्रदेश में कई सारे पार्ट्स हैं, वहाँ के लोग काफी असहज फील करते हैं कि उनकी जो भाषा है, उनकी जो वो बोली है वो विलुप्त होने की कगार पे है। तो ऐसे में अगर ऐसा कुछ होता है तो उनके लिए एक विशेष प्राधिकारी, एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। और दूसरा है कि उस अधिकारी का जो नियुक्त होगा उसका कर्तव्य होगा कि इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उनके रक्षा के लिए ऐसे वो नियम बनाए, ऐसे वो प्रतिवेदन रिपोर्ट सौंपे राष्ट्रपति को जिसपे विचार संसद के समक्ष रखा जाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाया जाएगा। और यहीं से कड़ी बंध जाती है उस भाषा के, उस डायलेक्ट, उस बोली के बचाव के लिए, उसके लिए कानून बनाने के लिए। जो 351 है ये सबसे महत्वपूर्ण है और इस पे काम भी हो रहा है। यही हिंदी भाषा को एक जीवन प्रदान करता है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश। अब इसमें देखिए बोला क्या गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ी पॉलिटिकल बातें आ जाती हैं कि अगर कोई भी गवर्नमेंट रहे उसका ये कर्तव्य रहेगा, क्योंकि हमारी ये संविधान में लिखा गया है, लाइक कोई भी गवर्नमेंट रहे उसका ये कर्तव्य है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तथ्यों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। इसे अगर आप गहन रूप से समझें तो साफ साफ बोला गया है कि जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं आप उनसे शब्द ग्रहण करें, उर्दू, असमिया, बंगाली, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, जितनी भी भाषाएं हैं 22 उनमें से आप, हिंदी तो ऑलरेडी उसी में है ही, उसमें से आप भाषाएं ग्रहण करें। और जो शब्द भंडार रहेगा उसमें आप संस्कृत से मुख्यतः लें, अगर इससे आपको पर्याप्त नहीं लग रहा है तो आप अन्य से भी ले सकते हैं। लेकिन जैसा इंग्लिश प्रचलन में है, और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो खुद मैं भी इंग्लिश में ही कुछ इंग्लिश ही बोल रहा हूँ, इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, तो अपना संविधान इसे रोकने की बात करता है कि आप किसी भी विदेशी भाषा के शब्द को ग्रहण इतनी आसानी से मत करें। तो जितना भी हिंदी भाषा के प्रयोग के लिए और विकास के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं हमें उन सबको सपोर्ट करना चाहिए और हिंदी के प्रचार प्रसार में सहभागी बनना चाहिए। लेकिन अपना संविधान के कुछ क्लॉज में ऐसा भी लिखा है कि हमें दूसरों के जो इस भाषा को नहीं जानते उन पे इम्पोज ना करके उनके इमोशंस का, उनकी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट जो सेकंड भाषा है राजभाषा की, ये आपको पसंद आई होगी और आपके ये एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, आप इस वीडियो को या इन वीडियोज को सभी को शेयर कीजिए अपने उन स्टडी चैनल्स पे, स्टडी ग्रुप्स पे, उन दोस्तों को जो कि राजभाषा को सम्मान देते हैं, राजभाषा सीखना चाहते हैं या परीक्षा में बैठकर राजभाषा के सेक्शन में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, अच्छे अंक लाना चाहते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर दोस्तों।